पहले मैं अरविंद कुमार जैन जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, ये चिट्ठी, सर्कुलर, गाइडलाइंस, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं। आपको इसमें कुछ आपत्तिजनक आपको लगता है कि पुलिस ने कुछ चीजों को अवॉइड किया जा सकता था, जो बातें कही हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी से विवाद हो सकता है, इस चिट्ठी से शिया सुन्नी टकराव हो सकता है, और अब कुछ हुआ तो जिम्मेदारी पुलिस की होगी। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, अरविंद कुमार जैन जी बताइए आप। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती उसकी जिम्मेदारी पुलिस की, डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक। रही बात इस चिट्ठी की, इंटेलिजेंस के इनपुट्स आते हैं, सालों से आ रहे हैं, सालों से इस प्रकार के पत्र जारी हो रहे हैं। ना सिर्फ इस अवसर पर होली के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान, रामपराज जब निकलती है, अम्बेडकर शोभा यात्राएं निकलती हैं, कहीं पर भी कभी पहले कभी विवाद हुआ है तो उसके उसके अंश उसमें रखे जाते हैं कि कहां कहां पे पुलिस को सावधानियां बरतनी है। इसमें कोई गलत बात नहीं की गई है, इसको एक अन्यथा ये पुलिस के इंटरनल कंजम्पशन के लिए ये निर्देश, ये उनके हाथ पे कहीं से पहुंच गए इसलिए वो सोच रहे हैं। हम तो वर्ड्स की तैयारी करके चलते हैं, ये कोई शिया सुन्नी के जो विवाद रहे हैं ये सर्वविदित है और उसमें आवश्यकता इस बात की रहती है। मैं कई साल लखनऊ का आईजी रहा हूँ, मैंने कई जुलूस अपने खुद खड़े होकर निकलवाए हैं, मैं जानता हूँ तनाव की स्थिति रहती है। तो इसलिए पूरी तैयारी रखनी ही चाहिए, इसमें कोई अनुचित नहीं कही गई है, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात नहीं की गई है। सम्मानित धर्म गुरु है कलबे जब्बार साहब, मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि इसको एक फर्क नजरिए से देखें, ये कोई तौहीन करने के उद्देश्य से जारी नहीं किया गया है, पुलिस को की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए किया गया। अच्छा, इसमें है क्या, लोग ये जानना चाहेंगे कि विवाद किस चीज को लेकर है। मेरे हाथ में चिट्ठी है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि पुलिस क्या कहनी चाह रही है। अतीक रहमान साहब, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इसमें पढ़ देता हूं। इसमें विवाद जो है वो चौथे पैरा को लेकर है, उसमें लिखा गया कि मोहर्रम सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, ये चिट्ठी में लिखा गया है। आप इससे पहले ऐसे धार्मिक अवसरों पर धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर लोग मुखर हो जाते हैं, प्रदेश के हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के कट्टरवादी, फिर से पढ़ रहा हूं, चिट्ठी में लिखा गया है, प्रदेश के हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के कट्टरवादी और कुछ असहिष्णु तत्व इन दोनों संप्रदायों के मध्य किसी भी छोटी बड़ी घटनाओं को तूल देकर अप्रत्याशित रूप से विवाद या टकराव पैदा हो सकता है, पुराने लंबित मामले इस तरह के रहे हैं। इसमें गलत क्या लगा? एक बार मैं वकार साहब, आपको यह चिट्ठी आपने भी पढ़ी होगी सईद आसिफ वकार साहब, आपको इसमें कुछ विवादास्पद या कुछ लगा कि इससे टकराव पैदा हो सकता है? सईद आसिम वकार, देखिए आपको तो नहीं, आपको क्या लगा मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है कि लखनऊ जू में जब पार्क में 1.5 लाख लोग जा सकते हैं घूमने के लिए, दुनिया भर के काम किया जा सकते हैं, तो मैं खाली इतना जानना चाहता हूं कि अगर इबादत के लिए 50 लोग से ज़्यादा इकट्ठा होना चाहते हैं मस्जिद में तो उस पर पाबंदी, और जिस तरह की गाइडलाइन थी, अगर आप कोरोना की वजह से कर रहे थे तो आप कोरोना की वजह से करते, आप उसमें लिखते कि क्योंकि कांवड़ भी रोकी गई इसलिए कोरोना के मद्देनज़र इसको रोका जा रहा है। पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि आप ये जो मुहर्रम की गाइडलाइन आपने जारी की है ये कोरोना के देखते हुए जारी की है या शिया सुन्नी झगड़े को देखते हुए जारी की है, या तो आपने जो उसमें जो जिक्र किए हैं उनकी वजह से जारी की है। पुलिस क्लियर नहीं कर पाई कि ये जो गाइडलाइन जारी की है, जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, डीजीपी साहब से पूछिए कि क्यों, अगर कोरोना की वजह था तो सीधा सीधा बोलते कोरोना की वजह से, क्या दिक्कत थी। दूसरी बात, मैं आपके चैनल पर इतना कहना चाहता हूँ कि सारे शिया समुदाय से गुजारिश है कि जो आपके मंत्री हैं, आपकी कौम के जो मंत्री हैं जिनको नुमाइंदा बनाकर पेश किया गया और सरकार मंत्री बनाया गया, एक बार उनसे तो सवाल पूछिए, कहीं उनकी रजामंदी से तो ये गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हो सकता हो मोहसिन रजा साहब बड़े ताकतवर मंत्री हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, अभी तक सवाल नहीं खड़ा किया, अभी तक कोई मांग नहीं की, अभी तक डीजीपी के खिलाफ नहीं बोले, अभी तक उन्होंने शिया कौम के समर्थन में बयान नहीं दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वसीम रिजवी और मोहसिन रजा की मर्जी से किया जा रहा है। भाई
मैं तो साहब लेकिन पता है इसमें कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने कौम के नहीं, अपनी जाति के नहीं, अपनी धर्म के नहीं, वो देश के वफादार तो नहीं हो सकते सर। सईद आसिम वकार नहीं वफादार तो नहीं हो सकते देश के। जो आदमी कौम का गद्दार है, धर्म का गद्दार है, वो देश का भी गद्दार होगा। सईद आसिम वकार आपने चिट्ठी पढ़ी है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, खाली मुझे ये बता दीजिए, सईद आसिम वकार आपने चिट्ठी पढ़ी है? ये कोविड सईद आसिम वकार आपने चिट्ठी पढ़ी है? कोरोना की वजह से जारी की गई है परमिशन। हाँ पढ़ी है, पढ़ी है। क्यों जारी की गई है? मतलब मैं परमिशन क्यों नहीं दे रहे? आपको बता दूं आप वकार साहब, इसमें जो सुन लीजिए वकार साहब, मेरे हाथ में चिट्ठी है, इसमें जो पहला पॉइंट है ना वो कोरोना को लेकर है। आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं अगर आप कहें। मुहर्रम के अवसर पर कोरोना, सुन लीजिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए अभी आपने झूठ बोला, मैं उसको अभी एक्सपोज करूंगा। अमन चोपड़ा जी पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अब आप पूरी बात नहीं, अमन चोपड़ा जी चिट्ठी में देखिए फंस गए, झूठ बोल रहे थे, झूठ पकड़ा जाता है तो फिर बौखलाते हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, अब आप मेरी सुनिए। मैंने आपको 1.5 मिनट आपने बोला, मैंने नहीं टोका, चिट्ठी में लिखा गया है मुहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत, सुन लीजिए, चिट्ठी में लिखा गया है कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत किसी प्रकार के जुलूस तजिया की अनुमति ना दी जाए। ये पहला पॉइंट है चिट्ठी का, पहला पॉइंट। आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी थी यही मामला। आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी थी? नहीं, मैं सही कह रहा हूं ना कि पहले, अगर आपने चिट्ठी पढ़ी तो होती तो आप ये नहीं कहते कि कोरोना का जिक्र नहीं है इसमें, झूठ। बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है सर? मुझे पता है कि हम आपसे ज्यादा काबिल हैं। चिट्ठी पढ़ के आते तो आप काबिल होते, बिना पढ़े लिखे कोई काबिल नहीं हो सकता सर। सुनिए सर, साहब चिट्ठी नहीं पढ़ी आपने? अरे सुनिए सर, पढ़ी है तो बताइए। अरे सुनिए सर, नहीं पढ़ी, नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ी तो क्या करेंगे आप, सजा दे देंगे? तो फिर बिना पढ़े डिबेट में आए और आप कह रहे हैं चिट्ठी में ये सब क्या? ले ये देखिए, ये देखिए, सही है वकार साहब, बिना पढ़े चिट्ठी आया, चिट्ठी पर डिबेट है और कह रहे मैंने चिट्ठी नहीं पढ़ी, ये तो गलत है वकार साहब। सर चार पॉइंट है उसके अंदर, मैं आपसे, आप सुनते नहीं है सर। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप चार नहीं है, दस है। आप सरकार को बचाने आए, बचा पाएंगे नहीं सर, आप मुझसे तो नहीं बचा पाएंगे। प्रॉब्लम आपकी ये है कि मैं कह रहा हूं अगर कोरोना की वजह से था तो कोरोना के पॉइंट लिखकर खत्म कर देना था, ये बाकी के पॉइंट क्यों लिखे गए? अच्छा ठीक है, और अगर बाकी की वजह से था तो डीजीपी साहब क्लियर करें, नहीं क्लियर हो रहा है सर। ठीक, नहीं क्लियर हो रहा है, कि नहीं क्लियर हो रहा है, कोरोना की वजह से है या बाकी वजह से है? आपकी मंशा पर डाउट है, वो कह रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है। भाई कोरोना की वजह से तो बाकी चीजें क्यों गिना रहे हैं? 40 साल पुराना शिया सुन्नी विवाद, टकराव, आप तो ऐसी बातें लिख रहे हैं कि टकराव हो जाएगा और कल को कुछ होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। शैल अमन त्रिपाठी, अमन भाई कुछ नहीं होगा सर, बड़ी अमन भाई कुछ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के जरिए से। जी जी जी, उत्तर प्रदेश में, अरे सुनिए आसिम भाई, शैल अमन त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि ये कुछ कर पाएंगे या इनके जैसे लोग कुछ कर पाएंगे, बहुत अमन चैन रहेगा। पिछले 4.5 साल के दौरान आप देखिए एक चींटी भी नहीं हिली है। ये अलग बात है कि 2012 से लेकर 17 के बीच में जब अखिलेश जी की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में 400 दंगे हुए थे, तो होगा तो कुछ नहीं। हाँ मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि देखिए कुछ एक खास किस्म के लोग हैं जो हर चीज अपने हिसाब से समझना चाहते हैं। चिट्ठी आपने पढ़ी, चिट्ठी जैन साहब ने चिट्ठी के बारे में बताया, बहुत ही अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं। और ये चिट्ठी नहीं है, देखिए बार बार जो ये आसिम वकार साहब गाइडलाइन कह रहे हैं, दिस इज नॉट ए गाइडलाइन, ये गाइडलाइन नहीं है, ये पुलिस की गोपनीय आंखें, आप पढ़िए साइड में लिखा है ऊपर गोपनीय एक शब्द इस्तेमाल किया गया, ये पुलिस के अधिकारियों को मुहर्रम त्योहार नहीं है सर, नहीं सर मुहर्रम त्योहार नहीं है सर, सही बात, मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, को त्योहार बताया गया है, ये अज्ञानता बता रहा है, ये बदलाव होना चाहिए चिट्ठी में, सही बात। अगर मान रहे हैं आप सर मुहर्रम त्योहार नहीं है सर, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं सर, मुहर्रम त्योहार नहीं है, बिल्कुल ईद त्योहार है, बकरीद त्योहार है सर, मुहर्रम त्योहार नहीं है, आप इस बात को मानिए। ठीक ठीक, वो मान रहे हैं, इस चीज को मान रहे हैं शैल अमन त्रिपाठी जी बोलने दीजिए, ये सुन्नी भी इसको हम, अरे सुन लीजिए भैया, आपका धर्म गुरु का प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे आसिम भाई, अब हमारी बात सुन लीजिए। चलिए अब आप शैल अमन त्रिपाठी आप बोलिए, सैयद आसिम वकार बोलने दीजिए उनको, बोलिए। देखिए पहला पॉइंट लेकर आए कि साहब कोरोना को लेकर है कि कोरोना को लेकर नहीं है,
तो आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी तो नहा कि क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा पॉइंट लेकर आए कि साहब इसमें ऐसा लिख दिया गया वैसा लिख दिया। दरअसल दिक्कत क्या है ना कि इसमें कुछ भी लिख दिया जाता तो क्या आसिम वकार यहाँ बैठकर तारीफ कर रहे होते क्या कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस ने जो प्रबंध किया है वो बहुत अच्छा प्रबंध किया है, बहुत अच्छी चिट्ठी जारी हुई है। जब मानसिकता एक खास किस्म की लेकर चल रहे हैं, यासीन वकार वही है ना जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इनके नेता ने खड़ा होकर कहा कि इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं और इतने मुसलमान मार दिए गए हैं। क्या ये कहते हुए इनके नेता को और इनको शर्म नहीं आई कि जब ये अपराध का और आतंक का यहाँ इस मंच पर बैठकर ये बोलते हैं कि हम अगर अपनी जाति पर गर्व न कर सके, हम अपने धर्म पर गर्व न कर सके, इस मानसिकता को लेकर अगर आप चलेंगे ना तो आपको न कोई चिट्ठी समझा सकती है, न कोई व्यवस्था समझा सकती है, न कोई सरकार समझा सकती है।